दोस्तों, भगवान शिव का जो रूप है, जैसी वेशभूषा है, उनके पास जो शस्त्र है, वो हमें क्या संदेश देते हैं? भगवान शिव अपने अवतार से हमें क्या सिखाते हैं? आइए इस वीडियो में हम जानते हैं और शुरू करते हैं आज का वीडियो भगवान शिव का नाम लेकर। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, भगवान शिव की तीन आंखें क्यों हैं? आइए जानते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार सभी देवताओं की दो आंखें हैं, लेकिन एकमात्र शिव ही ऐसे देवता हैं जिनकी तीन आंखें हैं। तीन आंखों वाला होने के कारण इन्हें त्रिनेत्रधारी भी कहते हैं। जीवन में कई बार ऐसे संकट भी आ जाते हैं जिन्हें हम समझ नहीं पाते। ऐसे समय में विवेक और धैर्य ही एक सच्चे मार्गदर्शक के रूप में हमें सही और गलत की पहचान कराता है। यही विवेक अतः प्रेरणा के रूप में हमारे अंदर ही रहता है, बस जरूरत है उसे जगाने की। भगवान शिव का तीसरा नेत्र आज्ञा चक्र का स्थान है। ये आज्ञा चक्र ही विवेक बुद्धि का स्रोत है। यही हमें विपरीत परिस्थितियों में सही निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करता है। दोस्तों, शिव अपने शरीर पर भस्म क्यों लगाते हैं? आइए जानते हैं। हमारे धर्म शास्त्रों में जहां सभी देवी देवताओं को वस्त्र और आभूषणों से सुसज्जित बताया गया है, वहीं भगवान शंकर को सिर्फ मिक्र चर्म यानी हिरण की खाल लपेटे और भस्म लगाए बताया गया है। भस्म शिव का प्रमुख वस्त्र भी है, क्योंकि शिव का पूरा शरीर ही भस्म से ढका रहता है। शिव का भस्म रमने के पीछे कुछ वैज्ञानिक तथा कुछ आध्यात्मिक कारण भी है। भस्म की एक विशेषता होती है। भस्म की विशेषता ये होती है कि शरीर के रोम छिद्रों को बंद कर देती है। इसका मुख्य गुण ये है कि इसको शरीर पर लगाने से गर्मी में गर्मी और सर्दी में सर्दी नहीं लगती है। भस्मी त्वचा संबंधी रोगों में भी दवा का काम करती है। भस्मी धारण करने वाले शिव ये संदेश भी देते हैं कि परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढालना मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है। दोस्तों, भगवान शिव के हाथों में त्रिशूल क्यों होता है? आइए जानते हैं। त्रिशूल भगवान शिव का प्रमुख अस्त्र है। यदि त्रिशूल का प्रतीक चिन्ह देखें तो इसमें तीन नुकीले सिर दिखते हैं। यूं तो ये अस्त्र संहार का प्रतीक है, पर वास्तव में ये बहुत ही गुड बात बताता है। संसार में तीन तरह की प्रवृत्तियां होती हैं, सत, रज और तम। सत का मतलब है सात्विक, रज का मतलब है संसारिक और तम का मतलब है तामसिक, यथार्थ निशाचरी प्रवृत्ति। हर मनुष्य में ये तीनों प्रवृत्तियां पाई जाती है। फर्क सिर्फ इतना है कि इनकी मात्रा में अंतर होता है। त्रिशूल के तीनों नुकीले सिरे इन तीनों प्रवृत्तियों की प्रतिनिधित्व करते हैं। त्रिशूल के माध्यम से भगवान शिव ये संदेश देते हैं, इन गुणों पर हमारा पूर्ण नियंत्रण हो। ये त्रिशूल तभी उठाया जाए जब कोई मुश्किल आए, तभी इन गुणों का आवश्यकता अनुसार उपयोग हो। दोस्तों, आखिर भगवान शिव के मस्तक पर चंद्रमा क्यों है? आइए जानते हैं। भगवान शिव का एक नाम भालचंद्र भी प्रसिद्ध है। भालचंद्र का अर्थ है मस्तक पर चंद्रमा धारण करने वाला। चंद्रमा का स्वभाव शीतल होता है। चंद्रमा की किरणें भी शीतलता प्रदान करती है। भगवान शिव कहते हैं कि जीवन में कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना आ जाए, दिमाग हमेशा शांत ही रहना चाहिए। यदि दिमाग शांत रहेगा तो बड़ी से बड़ी समस्या का हल भी निकल आएगा। ज्योतिषी शास्त्रों में चंद्रमा को मन का कारक ग्रह माना गया है। मन की प्रवृत्ति बहुत चंचल होती है। भगवान शिव का चंद्रमा को धारण करने का अर्थ है कि मन को सदैव अपने काबू में रखना चाहिए। मन भटकेगा तो लक्ष्य की प्राप्ति
नहीं हो पाएगी। जिसने मन पर नियंत्रण कर लिया वो अपने जीवन में कठिन से कठिन लक्ष्य को आसानी से पा सकता है। तो दोस्तों, ये थे भगवान शिव और उनके शस्त्रों के पीछे छुपे संदेश। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।